सऊदी में आके फंस गए का है? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। सऊदी अरब में लोग कैसे फंस जाते हैं, आखिर क्यों सऊदी अरब में लोग फंस जाते हैं? अगर काम करने के लिए पहली बार सऊदी जा रहे हैं तो ये सच जान लीजिए। जिस पे महारा का स्टंप लग जाता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों सऊदी अरब में काम करके ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा तो हर किसी की होती है, लेकिन वहाँ लोग किस तरह से जाकर फंस जाते हैं, कैसे वहाँ लोग ड्राइवर का वीजा लेकर जाते हैं लेकिन उन्हें बकरी चराने के काम में लगा दिया जाता है, ऊंट चराने के काम में लगा दिया जाता है, आखिर किस तरह सऊदी अरब में जाने के बाद लोगों के साथ धोखा होता है। मैं 4 लाख रुपया डाल के आया हूँ यार, अभी तक सैलरी वैलरी नहीं मिली। आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब कोई सऊदी जाने के लिए कफील वीजा निकालता है और उसे वो वीजा फ्री में नहीं मिलता बल्कि वो 2000 रियाल भर के वहां से वीजा लेता है, क्योंकि उसे वीजा या तो आमिल मंजिली का लेना होता है या फिर ड्राइवर का वीजा लेता है। बहुत सारे जो लोग फंस जाते हैं वो हाउस ड्राइवर के वीजा पर फंस जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्यों लोग फंस जाते हैं? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं वे बड़े अरमानों से सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वहाँ उनको जो काम बोला जाता है वो काम उन्हें नहीं मिलता। अब जाहिर सी बात है कि इतना खर्चा उठाकर वे लोग गए हैं, ऊपर से उनके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरे काम करने पड़ते हैं। अब दोस्तों जो वीजा होता है वो तो काफील देता है जिसे सऊदी अरब के ऑफिस में दिया जाता है, वहाँ के ऑफिस वाले वो वीजा इंडिया या पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे अलग अलग देशों के एम्बेसी को भेज देते हैं, जो यहाँ यानी कि भारत की जो ऑफिस होती है वहाँ पर कई सारे लोग काम करते हैं जिनसे ऑफिस वाले ये मांग करते हैं कि हमें इतने लोगों की जरूरत है, और फिर वो लोग एजेंट बनकर गांव-गांव घूमते हैं और लोगों को ढूंढते हैं जिनसे मिलकर वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये वीजा है, हम आपको यहाँ पर ऐसा काम लगवा देंगे। और एजेंट इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताते हैं जैसे कि वो वहाँ बैठकर पूरा काम लगवा ही देंगे, और लोग उनकी बातों में फंस जाते हैं, जिसके बाद एजेंट उनसे पैसों की डिमांड करते हैं कि सारा काम हो जाएगा, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, बस आपको थोड़े पैसे देने होंगे। अब यहाँ पर थोड़े पैसे के रूप में वो लोग 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक की रकम की मांग करते हैं, जहाँ एजेंट लोगों से बोलते हैं कि आपका पासपोर्ट और वीजा वगैरह हर एक चीज पैसे में मिलेगी, इसलिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब जो भोले भाले गरीब लोग होते हैं वो तो वैसे ही बेरोजगारी की मार झेल रहे होते हैं, इसलिए वो हाँ कर देते हैं और अपना मेडिकल वगैरह सब करा लेते हैं, पासपोर्ट भी दे देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका जो वीजा है वो सवा खास का है यानी कि ड्राइवर का है। हालांकि जो भारत के एजेंट वगैरह होते हैं जो यहाँ ऑफिस चलाते हैं और लोगों को सऊदी अरब वीजा लाकर भेजते हैं, उन्हें पता होता है कि वहाँ पर किस काम के लिए लोगों की डिमांड की जा रही है। आप समझ रहे हैं ना पूरा खेल कैसे होता है। असल में सऊदी अरब से जो काम करने वाले लोगों की डिमांड भारत में या फिर दूसरे देशों में की जाती है वो साफ तौर पर बताकर की जाती है कि हमें बकरी चराने के लिए लोग चाहिए या फिर हमें ऊंट की देखभाल करने के लिए लोग चाहिए। ये सारी बातें पहले से ही ऑफिस वालों को बता दी जाती है, लेकिन ये जो ऑफिस वाले लोग होते हैं यानी जो एजेंट वगैरह होते हैं वो सऊदी अरब काम के सिलसिले में भेजते हैं, वो कभी भी लोगों को सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है अगर किसी को ये बोल देंगे कि वहां जाकर बकरी चराने का काम करना है तो कोई भी सऊदी अरब जाना ही नहीं चाहेगा और ना ही उन्हें पैसे मिलेंगे। इसलिए भोले वाले गरीब और बेरोजगार लोगों को अच्छा काम, अच्छा रहन सहन, अच्छी जिंदगी देने के लालच में फंसाया जाता है, और बेचारे लोग पैसा कमाने की चाहत में कहीं से भी अपना घर बेचकर, अपने जानवरों को बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि एजेंट को दे पाए और वो उन्हें सऊदी अरब में अच्छा काम दिला दे। लेकिन यहाँ पर एजेंट की बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि उन्हें बेचारे गरीब लोगों की तरफ से तो मोटी रकम मिल ही रही होती है, साथ ही हर एक इंसान के ऊपर उन्हें अलग से कमीशन भी मिलता है। यानी कि मान लीजिए अगर सऊदी अरब से बकरी चराने वाले लोगों की मांग की गई है तो हर एक इंसान पर करीब 5 से 10 हजार रुपए मिलते हैं, यानी कि एजेंट जितने लोगों को सऊदी अरब भेजते हैं उतने लोगों का पैसा उन्हें मिलता है।
पर सऊदी अरब जाने के बाद बेचारे गरीब लोग समझ ही नहीं पाते और उनके साथ धोखा हो जाता है। उन्हें किस काम के लिए भेजा गया होता है और वो काम तो नहीं मिलता, उल्टा बकरी चराने जैसे कामों में उन्हें लगा दिया जाता है। अब बेचारे इतना बड़ा कर्जा लेकर भारत या पाकिस्तान जैसे देशों से सऊदी अरब गए होते हैं, वो खाली हाथ तो बैठेंगे नहीं, जो भी काम उन्हें हाथ लगेगा उसे करना शुरू कर देंगे। इसलिए मजबूरी में आकर उन्हें इस तरह के काम करने पड़ते हैं और वो लोग फंस जाते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग इस तरह के कामों को भी नहीं करना चाहते उन्हें भी मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एक समय सीमा में बांध दिया जाता है, जैसे 3 सालों तक उनका पासपोर्ट और वीजा उनसे छीन लिया जाता है और उनसे गधों की तरह काम कराया जाता है। उन्हें ना ही रहने की सुविधा मिलती है ना ही खाने की। बेचारे ये लोग वहाँ एक अच्छी जिंदगी जीने की उम्मीद में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। और ये सब भारत में रहने वाले एजेंट करते हैं, जो झूठ बोलते हैं और लोगों को धोखे से वहाँ भेजते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको कभी भी ड्राइवर के वीजा पर नहीं जाना चाहिए। आप अपना प्रॉपर वीजा देखिए, यानी कि अगर आपको कोई एजेंट सऊदी अरब भेज रहा है तो आप पूरी जानकारी ले लें, आखिर वहां पर क्या काम होगा, इस तरह से होगा, आपको कितने पैसे मिलेंगे। और हाँ, एजेंट से भी पूछ लेना कि अगर मैं वहां पर गया और मुझे दूसरा काम करने के लिए कहा गया तो क्या आप मुझे वापस आने में मदद करेंगे। ऐसे में एजेंट तुरंत इनकार कर देगा और घबराने लगेगा। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो आपको उसके वीजा पर सऊदी अरब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। सही एजेंट का साथ पकड़े और जो आपको सही जगह पर काम दिला रहा है उसी के वीजा पर सऊदी अरब या कतर वगैरह देशों में जाइए। बाकी आपके वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।